हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी दाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, अभी जो है ना, मैं प्रिपरेशन करने लगी हूँ सहरी की, कि सहरी में मैं क्या क्या बना के रखती हूँ। बट ऐसा है कि मैंने कबाब बना लिए थे, जिसकी वीडियो भी जो है ना मैंने आप सबसे शेयर भी की थी। बट जो है वो कबाब ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे। और मैं पूरे रमज़ान जो है ना हमारे कबाब खाए जाते हैं सहरी में ना। सहरी में मैं पराठे भी जो है ना वो फ्रोज़न करके रखती हूँ, तो वो फ्रोज़न पराठे भी जो है ना वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। ठीक है जी, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। क्राउड चेक करें कितना क्राउड है। और हस्बैंड वापस आए, कहना ना कि जगह नहीं है जा नमाज दो, तो मस्जिद में जगह तो है ही नहीं। अब जाए नमाज लेकर गए हैं, बेटे की भी अपनी भी, तो बाहर बैठ के ही पढ़ेंगे। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए क्राउड कितना है आज ना, बहुत ज़्यादा रश लगा पड़ा है। तरावी हो रही है अब तो, रमज़ान की रौनकें माशाल्लाह लग चुकी हैं। लेडीज़ का जो है ना, लेडीज़ का भी फुल हो चुका है, तो मैं जो है ना वो घर में ही पढ़ूंगी, क्योंकि जगह बाहर नहीं पढ़ सकती मैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं, वो अभी मेरे ना घर की जो एलिवेशन है ना वो बैक साइड की है, तो फ्रंट एलिवेशन नहीं है मेरे मेरे बालकनी का व्यू जो है ना, वरना मैं आपको वहाँ से भी दिखाती कि फ्रंट में जो है सब जाए नमाज लेके मास पढ़ रहे हैं। मशीन लगा ली है मैंने और घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लीन हो गया है। और बाहर अभी जो है ना वो तलावी ही हो रही है, और तलावी हो रही है बाहर। कपड़े भी जो है ना धोनी है मैंने, बर्स को खाना डाला था, ये समेटना है, और बस ये बेडशीट बिछानी है। सुकून मिलता है, साफ हो जाता है ना घर। ओ बी यू, वॉल्यूम कम कर, चलो छोड़ो, मम्मा जा रही हैं। अच्छा बस ये ना, मैं जो है ना यहीं पर ही नमाज़ पढ़ूँगी। अच्छा, मैं इंशाल्लाह इधर ही नमाज़ पढ़ूँगी, मैंने ये प्लान किया हुआ है कि बच्चे सो जाएंगे, तरावी मैंने यहीं पढ़ के पढ़नी है इधर ही, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहीं पढ़ के पढ़ूँगी। और बहुत ही साफ़ सुथरा मैंने घर कर दिया नमाज़ पढ़ने के लिए ना। वैसे तो घर क्लीन ही था, बट मैंने तफर से और क्लीनिंग कर दी है कि बस इंशाल्लाह तरावी पढ़नी है। और मैंने जो है ना वो सहरी का भी इंतज़ाम करना है। सहरी का मतलब ये है कि मैंने ना पराठे जो है ना मैं हर साल बना के रखती हूँ फ्रोज़न, तो वो पराठे भी बनाने हैं, और शामी कबाब ख़त्म हो गए तो शामी कबाब भी बनाने हैं अगेन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरे रमज़ान ही हमारे शामी कबाब खाए जाते हैं सहरी में ना। और पराठे में जो बनाती हूँ ना, उसका जो जायका होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, तो आपने वो वाली वीडियो जो है ना मिस नहीं करनी है। और बस अभी लास्ट ट्रिप है ये मशीन की, इसको ना अभी निकाल के जो है ना देन में अभी मैंने जो है ना ये पुलाव भी जो है ना मैंने ये यखनी बनने की रख दी है, तो अभी मैं बना रही हूँ पुलाव। पापा आएंगे बच्चों के, मेरा बेटा भी गया है नमाज़ पढ़ने, तो वो आएंगे तो पुलाव बना के इंशाल्लाह उनको खिलाऊंगी, क्योंकि तरावी में बच्चे थकन काफ़ी जाती है, भूख भी बहुत लगती है। खाकर तो गए हैं वो शाम में थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत मैंने खिला दिया था, बट पुलाव का बेटा कह रहा था, मेरा मूड हो रहा, थोड़ी सी चिकन रखी हुई थी मैंने ख़त्म तो करनी है, तो पुलाव बना देती हूँ। अभी जो है ना हालत मेरी हो गई है बहुत ख़राब, और बर्तन मैं धो रही हूँ, फिर भी जो है ना बर्तन माशाल्लाह निकले चले जा रहा है। तो यहाँ बन रही है पुलाव की तैयारी हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो कबाब की तैयारी हो रही है। बर्तन मैंने धोए पर फिर भी जो है वो बर्तन हो ही चले जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी देखें ये भी धो के रखे हैं, वो भी धो के रखे हैं, पर हो ही रहा है। और ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और ये यखनी है, तो अभी पुलाव खाएंगे रात में, और कबाब भी बन रहे हैं। अब मैंने कबाब की रेसिपी तो पहले शेयर करी हुई है, तो बस अभी मैं बनाऊँगी पराठे, तो वो पराठों की रेसिपी भी जो है ना मैं आप सबसे शेयर कर दूँगी। ठीक है जी, तो यही होगा सहरी में हमारा, जो है पुलाव भी बन गए हैं और ये पता भी है, और सबका वेट हो रहा है। तो जी यहाँ पे जो है ना कबाब रेडी हो रहे हैं, और अभी वाटर ना पूरा ड्राई नहीं हुआ है, तो इसको ड्राई करना है। और अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ फ्रोज़न पराठे। ठीक है, तो फ्रोज़न पराठे के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लिया है, मतलब मैंने 1 कप मैदा यहाँ पे ऐड किया है, और 2.5 कप जो है मेरा जो नॉर्मल जो फ्लावर होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो अब जो है ना इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है ये आपने गौर से सुनना है, बहुत ध्यान से। इस तरह से क्या होगा कि आपके जो पराठे हैं ना वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे, आप इसको 1 मंथ तक रख के भी खा सकते हैं। ठीक है जी, तो वो भी स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है ना मैं सॉल्ट ले लिया है मैंने, ठीक है, सॉल्ट ऐड करेंगे, और सोडा के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है ना वो शुगर ऐड करी, इससे आपका जो पराठे हैं वो मीठे नहीं होंगे, लेकिन एक जो फ्लेवर सा आता है ना बाहर के पराठों में वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो वो ये जीरा आ गया, तो इस तरह से जो है ना आपने बल्कि बिल्कुल 1 टीस्पून जो है आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। ठीक है, फिर इसको जो है ना अच्छे से आप मिक्स कर लें।
तो अब जो है ना ये मिक्स हो चुका है, तो अब यहाँ पे आप चाहे तो मेटर बटर ऐड कर लें या फिर घी, ऑयल आपने ऐड नहीं करना है इसमें, ठीक है। ऑयल आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है, आपने ऐड करना है मेल्टेड घी या जो आपका नॉर्मल घी होता है घर का वो आपने ऐड करना है इसमें। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल 1 टीस्पून जो है आपने वो, सॉरी 1 टेबल स्पून आपने इसमें घी ऐड करना है। मेरे पास टीस्पून था तो मैंने टीस्पून के अकॉर्डिंग ऐड किया। अच्छा, इस सब चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब जो स्टेप है ना वो मेन स्टेप है कि आपने इसमें वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। वाटर आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है। आपने क्या ऐड करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, मेरे पास जो है ना ये फ्रेश मिल्क है काऊ का, आप चाहे तो आपके पास जो से भी मिल्क है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपने जो अपने आटे को गूंदना है ना वो मिल्क डाल के ही जो है आपने आटे को वो गूंदना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा आपसे मिल्क ऐड करते रहेंगे और जो है साथ ही साथ इसको गूंदते रहेंगे। अच्छा, ये देखें ये आटा जो है ना अब बिल्कुल गुन चुका है, ठीक है। देखिए कितना सॉफ्ट है, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट है ये आटा और बहुत बहुत अच्छे से जो है ना ये गुन गया है। सिर्फ मैंने दूध यूज़ किया है इसमें, मिल्क से ही मैंने इसको गूंदा है, ठीक है। और मैंने देखें इतना मेरा जो है वो लगा है तकरीबन 1 ग्लास, ठीक है। तो अभी जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, तकरीबन 1/2 आवर के लिए इसे कवर करके रख देंगे, फिर इसके पेड़े बनाएंगे। अच्छा, मैं इसमें आज ना आपको लच्छे वाला पराठा भी बना कर दिखाऊंगी, ये नॉर्मल पराठे भी। लच्छे वाला पराठा बनाना बहुत 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 इजी है, कहने में उसका नाम ये है कि भाई लच्छेदार पराठा बनाना बहुत मुश्किल है, लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं इंशाल्लाह आपको एक और वे से सिखाऊंगी क्योंकि मैंने पहले भी एक रेसिपी अपलोड की हुई है, बट लच्छेदार पराठे को बनाने के लिए बहुत सारे वे हैं, ठीक है। आज मैं एक और वे से सिखाऊंगी, मतलब आज 2 वे से मैं आपको सिखाऊंगी लच्छेदार पराठा, ठीक है ना, और कुछ जो नॉर्मल होते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी आ जाएगा बनाना, और ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रोजन पराठों को, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। इसका टेस्ट जो है ना वो आप याद रखेंगे, मतलब आप लोगों ने बाहर से पराठे फिर कभी खाने ही नहीं है, इतना ज़बरदस्त का टेस्ट आएगा। से पेड़ा बना लेना है, ओके। पहले से खुशका लगाया और इसको जो है वो जैसे हम नॉर्मल बेलते हैं ना वैसे बेल लिया, ठीक है। इस तरह से आप बेलते पराठे को, ठीक है, इस तरह से जो है ना आपने इसको बेल लिया, ओके। अब क्या करना है आपने नेक्स्ट स्टेप कि आपने थोड़ा सा जो है ना इसमें घी लेना है और घी को जो है वो इस तरह से इस पर डाल देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा खुश्का लेना है, वो भी जो है इसके ऊपर ऐसे लगा देना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपने, बिल्कुल इस तरह से जो है ना जैसे रोल करते हैं ना इस तरह से, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से आपने वो रोल करते रहना है, बहुत पतला पतला सा जो है देखे ना आपने ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से क्या होगा ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपने कि ये जो है ना इस तरह से देखे इस तरह से आपने करना है, ठीक है, और इसको इस तरह ऐसे ही जो है ना आपने रख देना है थोड़ी देर के लिए। इस तरह से रोटी मेरी है बड़ी सेम, आपने क्या करना है इसी तरह से जो है वो घी लगा देना है और इस तरह से थोड़ा सा खुशका इस पर स्प्रिंकलर कर देना है, ठीक है। अब आपको चाहिए एक नाइफ, तो नाइफ से आपने क्या करना है, बिल्कुल जितने आपको लच्छे चाहिए ना उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से आपने ठीक है ऐसे हो गया। अब थोड़ा सा खुशका आप इसमें और डालें। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से लेना है या इस तरह से करते करते बिल्कुल हल्के हल्के से प्रेस कर करके एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है, बस इस तरह से लेना है आपने ये, एक पेड़ की शक्ल में आ जाए। आप चाहे तो नाइफ की हेल्प भी ले सकते हैं,
यहाँ से अच्छे बना देना, ठीक है। तो बस इसको खींच लेंगे, इसको इस तरह से ये देखिए कितने सारे लच्छे जो है आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, है ना। ये देखिए कितने सारे लच्छे जो हैं आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जो है आपके लच्छे रेडी हो जाएंगे। इस तरह से जो है आप बना के इसको रख लें, ठीक है। रखना ज़रूरी है, रखना जो है वो मस्ट है। एक देखिए किस तरह से मैंने बताया था और दूसरा किस तरह से बताया, एक और भी मैंने रेसिपी बताई हुई है, एक और भी है लच्छा पराठा बनाने का, तो वो जो है आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दूँगी, ठीक है। अच्छा अभी जो है ना मैंने कुछ पराठे बना लिए हैं और अभी मैं कुछ आपके सामने भी बना लेती हूँ, ठीक है। तो पहले ये ले लेते हैं, ये नॉर्मल जो मैं घर में बनाती हूँ ना उस टाइप के, एक के ऊपर एक रख के जो बनाते हैं। अच्छा इसको इस तरह से कर लिया आपने, हल्के हल्के हाथ से जो प्रेस कर लें, इसको मैं बेल लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं नॉर्मल वे में जो है वो घर में बनाती हूँ। ठीक है जी, तो ये इस तरह से है और दो तीन अच्छे ही आ गए होंगे इसमें बस। अच्छा मैंने ये पहले बना के रख लिए थे और अब मैं इसमें और आपके सामने ही बना के रख देती हूँ। ये वो वाले अच्छा है जो मैंने बहुत एंड में बनाया, वो तो सेम एक के बाद एक जो ऊपर रख के बना रहे थे वो वाले, मेरा बच्चे कभी आते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, एक शीट और रख लूँगी, ठीक है। इस तरह से बारीक बारीक से बच्चे आपको देख लेना, फ्राई करेंगे तो ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे। इसी तरह से मैं एक और प्लास्टिक बैग जो है एक और ये इसका एक लच्छा निकल भी रहे। अच्छा तो जो है ना अभी इसको रख देते हैं फ्रोज़न होने के लिए और साथ साथ मेरे शामी कबाब भी जो है वो रेडी हो रहा है। मैं शामी कबाब की कंडीशन दिखा देती हूँ आपको, तो शामी तो शामी कबाब जो है ना वाटर पूरा सूख गया इसका। अब मैंने इसको हाथ से ही जो है ना इसकी कुटाई करनी है, मतलब इसको बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स करना है ताकि मैं कबाब बना सकूँ। बस अब ये करना है, देन टिकिया बना के हमारा जो है सैली प्रिपरेशन रेडी। अच्छा जी तो मैं लेकर आ गई, तो चूड़ियाँ मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रही थी, ये बैंगल जो है ना बहुत आवाज़ें कर रही थी, पराठा बनाते वक्त मैंने उतार दिया और अभी रात का टाइम हो रहा है, सही है। अच्छा ये मुझे चाहिए ग्रीन चिल्ली और ये है जी मिंट लीफ मतलब पुदीना और ये है जी कोरिएंडर लीफ मतलब के हरा धनिया, तो थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूँगी, देखिए कटिंग करके रखने का कितना फ़ायदा होता है। अच्छा फ्रेंड्स तो जो है सारे कबाब बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मटेरियल तो मैंने सबके बना लिए, अब मैं इसको फ्रीज कर दूँगी। मतलब ये 3 लेयर में बने, 1 2 3, ठीक है। 3 लेयर मतलब फुल हो गई है और देखिए कब से चलते हैं ख़त्म होंगे फिर बना लेंगे, ठीक है जी। तो फिर मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ और बस ये था मेरी आज की सैरी प्रिपरेशन व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और फर्स्ट सैरी का व्लॉग मैं इंशाल्लाह सबसे ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, कैसे फर्स्ट सैरी हमारी कैसी रही, क्या क्या किया और क्या क्या खाया, कैसी इबादत की, ठीक है जी। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे पता चलता है कि यार लोग हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आज की। मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए I love this.